वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13। 3 अगस्त की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स वर्कशीट का। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डैश पॉलिनॉमियल। तो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये हम पहले भी कई वर्कशीट में हम समझ चुके हैं। द ओनली वेरिएबल इज, यहाँ पे ओनली वेरिएबल क्या है, एक्स। तो हेयर ए बी सी आर नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं ये? रियल नंबर्स, बिकॉज यहाँ पर कोई ना कोई, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इसका, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे 3 हो गया, 8 हो गया, 4। सो ए बी सी आर रियल नंबर्स, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड रियल। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रखी हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में क्या फर्क होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में मेजर फर्क होता है इक्वल्स टू का। इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 1, 2 कुछ होता है, यहाँ पर नहीं होता। तो पॉलिनोमियल को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वेयरएज इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं एक्स का। पॉलिनोमियल में हम ये आंसर नहीं निकाल सकते। तो बाकी जो है इसके बारे में जो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल, वो मैं चाहूंगा कि आप मेरे जो सॉल्यूशन है उसके बाद आप खुद करें। तो मैं देख लेता हूँ, इन सब आंसर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ अच्छे से। इनको समझने के बाद जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, आप उनको खुद ट्राई करें। आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर वाला सबसे पहले आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस बी एक्स या प्लस बी एक्स जो भी हो, मतलब एक्स वाला सेकेंड टर्म पे आना चाहिए, प्लस सी मतलब कॉन्स्टेंट थर्ड नंबर पे। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन में था डिग्री। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो डिग्री होती है वो होती है 2। तो सेकेंड का आंसर हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना था इक्वेशन को, और बताना था कि सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो गेम खत्म। तो उसी तरीके से राजा है ये, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी सारे के सारे चाहे चले जाएं, लेकिन राजा रहना चाहिए तो ही चेस की गेम चलेगी। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला गया, तो ये जो बन गई वो होगी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए ये हो गया नो। तो सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर पहले से ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, इसको कहेंगे हम यस। थर्ड को आप देख लेते, थर्ड इंपॉर्टेंट है ये जो है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स अंदर जाएगा, 3x² प्लस 5x² हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करके जब आप इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये जो हो गई वो यस आ जाएगा। डी पार्ट में इसको फर्दर सॉल्व नहीं करा जा सकता, तो ये भी हो गया यस। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दे रखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3। तो पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक नंबर दूसरा नंबर माइनस करके 3 आ रहा है और उन्हीं को मल्टीप्लाई करके 270 आ रहा है। तो इन दोनों में से मैं किसी को भी एक्स ले सकता हूँ, पहले या दूसरे को। मैंने दूसरे को लिया क्योंकि वो मुझे आसान लगता है, लेट सेकेंड डिजिट बी एक्स। तो मैंने सेकेंड डिजिट की जगह पे एक्स पुट कर दिया। अब फर्स्ट डिजिट की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की टर्म्स में, एक्स को उधर भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 + x, देयरफॉर फर्स्ट डिजिट इज 3 + x। अब ये दोनों भी दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू 270।
पहला नंबर और इंटू दूसरा नंबर अगर हम करेंगे तो इसका फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही क्वेश्चन ने मांगा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। आज की वीडियो में इतना ही। आप इसके जो सॉल्व एग्जांपल दे रखे थे आप खुद अटेम्प्ट करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।